हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, सब कुछ बीत बिता गया है, जो भी था होना था वो हो गया। हमारे घर में दुर्घटना, शांत रहो। जो भी इतना दुखद घटना होना था, जो भी था, हो गया आज दोस्तों। लेकिन मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ कि मैंने जो देखा मेरे घर में भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा भाई मुझे छोड़ करके चला जाएगा। इतना हमको तकलीफ हो रहा है उससे कि हम डेली काम करता था, डेली जाता था, आता था, कभी हमको फोन करके बात कर लेता था मुझसे। मैं इतना हमेशा हमारा ख्याल करता था, वो आया था सामान, हमको इतना मानता था कि हमारे लिए इतना घर में झगड़ा करता था कि मैं परेशान हुई ये सोच करके उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों, मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं 3-4 दिन से मुझे इतना घबराहट हो रहा था ना कि हम एकदम घबराहट से तंग आ गए। लेकिन जिस दिन दुर्घटना होना था, तो उस दिन जैसे लग रहा था कि मैं कितनी अंदर से खुश हूँ, मुझे घर में कोई परेशानी नहीं है। मेरे पैर में भी अचानक से दर्द खत्म हो गया, तो मैंने ये सोचा कि कल मैंने दवा खाया है, इसलिए आज हमारा सब तबीयत सही है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे भैया के साथ ये ऐसा होने वाला है। दोस्तों, मैं इतना तकलीफ हूँ उसके लिए ना कि उसके साथ ऐसा हुआ। मैं एकदम परेशान हूँ कि उसके साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। दोस्तों, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि हम इतना सोच रहे हो कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे अकेले पालेंगे, कैसे कौन देखेगा उसको। उसके मायके वाले भी तो इतने वो नहीं है ना कि मतलब हमेशा खर्चा उठा सके। मैं इस बात के लिए इतना परेशान हूँ सोच सोच करके कि घर गृहस्थी अच्छी ठीक है, लेकिन एक होता नहीं, जीव को उपार्जन के लिए हर कोई काम करता है, हर घर में काम आदमी करता है। लेकिन इतना हम तकलीफ में है कि उसका दिन इतना 21 अप्रैल को इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि एक मौत हो गया उसका। हमको पता है ये सबके घर में ऐसा मतलब वहाँ पे भी हमने देखा, मैंने वीडियो बनाया था। इतना उस दिन से लगातार घबराहट, 4-5 दिन से जब से मैंने वो एक्सीडेंट देखा था तब से मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि हम एकदम परेशान हो गए कि इतना क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैंने खुद कहा था कि इसके पापा से कि मुझे ऐसी घबराहट हो रही है जिसे लग रहा है कि कोई हादसा होगा क्या, ऐसा मतलब ऐसा मुझे लग रहा था। तो बोले कि फ़ोन कर लो घर पे। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने फ़ोन किया, मैंने बात किया कि हाल चाल कैसा है। तो बोला कि ठीक है दीदी, कुछ नहीं। लेकिन छोटे वाले भाई से बात किया था तो बोला कि नहीं दीदी, सब कुछ ठीक है। मैंने और कुछ सोचा कि झगड़ा उगड़ा तो इन घर में हुआ है, तो बोला कि नहीं दीदी, सब कुछ ठीक है, चलो रात हो गया है, रखो फोन। अच्छा, उस दिन से लेकर के तीसरे दिन यानी कि परसों 5 बजे फोन आता है, तो मुझे लगा कि मेरी भाभी मतलब फ़ोन की है, करती है, हमेशा करती है फ़ोन करके। मतलब मैंने यही कहा कि पा लगी भाभी, मतलब ऐसे ही बोला, मतलब पलक गई अपने घर के भाषा में, पा लगी बहुत दिन के बाद आप फोन की है। तो कहाँ ये सब, तो उन्होंने तो बोला ही नहीं। उनकी तो हालत ही ख़राब थी उस टाइम पे। मेरा भाई हॉस्पिटल में था, उसने घर पे बता दिया था कि ऐसी ऐसी बात है। अब वहाँ से बात इतना कि हम क्या ही बताएं, हम फोन तो क्या एकदम लगे रोने पीटने, रो कुछ नहीं हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर वहाँ से मैं गई रात में, यहाँ 6:30 बजे निकली, गई चकियाँ चंदौली, चकियाँ से हॉस्पिटल में गए, भैया को देखे हम, भैया मेरा नहीं था। दोस्तों, मेरा भैया ख़त्म हो गया था। मेरा भाई खत्म हो गया, मेरा भैया नहीं है। मुझे
मैं उसके लिए इतना परेशान हूँ, इतना मतलब कि दोस्तों उसका देख के हाल तुम एकदम परेशान हो गए, हम बेहोश हो गए, लोग हमको उठाए, मेरे हाथों में भी चोट लग गया है यहाँ पे। इतना मतलब वो हो रहा था उस टाइम की ऑटो में बैठाए थे वो लोग, और हमें सोच नहीं पा रहे थे कि मेरे भाई साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे भैया के साथ मेरा भाई चला गया, दोस्तों मेरा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया। इतना उसके बाद जो है कि वहाँ से वापस आए, मम्मी को छोड़े, घर पे छोड़े, लेकिन अब घर नहीं गए, अपनी भाभी से नहीं मिले, इसलिए नहीं मिले कि क्योंकि हमको लोग देखते हैं दोस्तों, वहाँ पे मैं जाती हूँ ना तो लोग देखते हैं हमको, बहुत पता नहीं किस नज़र से देखते हैं यार, हमको नहीं अच्छा लगता, लोग हमको देखते रहते हैं वहाँ पे हमारे घर पे। हमारे घर में तो कोई नहीं कुछ कहता, लेकिन अगल बगल के लोग भी कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझे देखते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। एक नॉर्मल सी जिंदगी वाली हरकतें नहीं है ना, लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, मुझे उल्टा सीधा भी कोई लोग मतलब ऐसे बोलने के लिए ऐसा बोल देते हैं तो मुझे एकदम चिढ़ सा हो जाता है, मुझे उन लोगों के सामने मेरा जाने का मन नहीं करता है, बस मैं रुकी भी नहीं उन लोगों के सामने, इसलिए कि वो लोग मुझे बहुत देखते हैं, बस इसलिए। और उसको देखने का इतना हो रहा था कि मैं उससे बात कर लूँ अपने भाभी से, लेकिन उसके सामने भी सभी लोग था तो मुझे ही लोग देख रहे थे, मेरे भैया को तो वो सब तो जो करने वाले थे तो कर ही रहे थे, कपड़ में लपेट रहे थे, लेकिन मैं भी तो परेशान थी। लोग ऐसे ही हम चार भाई बहन थे, मैं अकेली हूँ दोस्तों, तीन भाइयों को छोड़ करके हमारे पापा जी भी चले गए, और हम लोगों ने कितना संघर्ष किया, इतना मेरा भाई संघर्ष किया घर गृहस्थी आगे बढ़ाने में, फिर मेरा भाई भी चला गया दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, बहुत तकलीफ वाली बात है, एकदम परेशान हूँ। मेरी भी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं है ना, मतलब ये सब चीज से तो टेंशन में दिमाग रहता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उन लोग अब उसके लिए भी ऐसा होता है कि मैं पैसे वाली होती तो मैं उसके लिए उसका मदद खुद कर सकती, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दोस्त, इतना छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमको तकलीफ होता था कि होता ये बाप का साया चला गया, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे सर से बाप का साया चला गया, अब आज के डेट में उसके साथ ऐसा हो गया, एकदम तकलीफ में जिंदगी है मेरी। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा, कभी नहीं सोचा था मैं कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। इतना न्यूज़पेपर में भी दिया है, जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं एकदम रोने आज भी लगी हूँ, रोने उसको देख करके रोने लगी हूँ दोस्तों। मोबाइल में भी दिया है